एवरीवन, दिस इज साक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं मावा के मालपुए बनाने की रेसिपी। पर इससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो चलिए मावा के मालपुए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है मैदा। यहाँ पर हमने हाफ कप मैदा यूज़ किया है। इसके बाद अब हम इस मैदे में डालेंगे हाफ कप ऑफ वाटर, मतलब जितना हमने मैदा लिया है उतना ही हमें इसमें पानी डालना है और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करना है और इसका एक बैटर तैयार करना है। याद रखिए, आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें वरना इसमें लम्स बन जाएंगे। तो ये बैटर हमारा मैदा और पानी का बन के तैयार हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख ही रहे हैं, हमें बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए मालपुए बनाने के लिए। तो ये बैटर तो बन चुका है। तो अब हम इसके बाद इसमें डालेंगे हम मावा, जो कि हमारा सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। तो यहाँ पर हमने मावा लिया है 1 कप, मैदा हमने हाफ कप लिया था, तो हम उसका डबल मावा यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम मावा के मालपुए बना रहे हैं। तो अब हम इसे मिक्सर जार में डाल के इसे अच्छे से एक बार ब्लेंड कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे एक बार और अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि जो इसका एक स्मूथ सा बैटर है वो बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पर हमारे मावा का जो बैटर है वो बन के रेडी हो चुका है। तो अब इस बैटर को हम डालेंगे यही मैदा और पानी वाले मिक्सचर में और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम कंबाइन करने के लिए इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसे कंटिन्यूसली 5 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे ताकि जो तीनों चीज़ें हैं ये अच्छे से एक दूसरे पर मिक्स हो जाए और हमारे बढ़िया से मावा मालपुए बन के तैयार हो। इन्हें हम कंटिन्यूसली ऐसे ही चला रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारा जो बैटर है मावा का मालपुए बनाने के लिए वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम इसे लगातार इन्हें ऐसे ही इसलिए चला रहे हैं ताकि जो हमारे मावा के मालपुए हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे मावा के फ्लेवर देकर तैयार हों। तो यहाँ पर हमारा बैटर ऑलमोस्ट बन चुका है। तो अब इस बैटर को हम थोड़ी देर के लिए साइड कर देंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर बनाएंगे शुगर सिरप। तो शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया शुगर 1 कप और साथ ही हम यहाँ पर डालेंगे 1 कप ऑफ वाटर, मतलब हमने जितना शक्कर यूज़ करी है उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे और इन दोनों चीज़ों पे अच्छे से बॉयल आने देंगे ताकि जो शुगर है इसमें डिज़ोल्व हो जाए। तो यहाँ पर अब हम इस पर डालेंगे केसर के धागे। तो यहाँ पर हमने 5 से 6 केसर के धागे इस पर डाले हैं सैफ्रन थ्रेड, ताकि इसका जो फ्लेवर है बहुत ही बढ़िया केसर का फ्लेवर बन के तैयार हो हमारे सिरप पर। तो इसे हम लगातार ऐसे मिक्स कर देंगे ताकि इस पर थोड़ी देर बाद जो है वो केसर का कलर भी आए और केसर का फ्लेवर भी आए। आप इसे ऐसे लगातार चलाएंगे तो आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि इसका जो कलर है वो बिल्कुल येलोइश हो चुका है। इससे हमारा जो शुगर सिरप है ना उसका केसर का फ्लेवर भी आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो केसर का कलर है वो यहाँ पर हमारा शुगर सिरप में आ चुका है और इसमें एक बढ़िया सा बॉयल भी आ चुका है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल रहे हैं इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून। यहाँ पर वैसे ये ऑप्शनल है, मैंने यहाँ पर दोनों चीज़ें यूज़ करी है ताकि इसमें केसर के साथ साथ इलायची का भी फ्लेवर रहे। तो ये हमारा शुगर सिरप की कंसिस्टेंसी आप देख रहे हैं, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा थिक होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा थिन। तो यहाँ पर हमारा शुगर सिरप बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए साइड कर देंगे। अब इसके बाद हम एक लेंगे पैन और उसमें हम डालेंगे देसी घी। तो यहाँ पर हमने 1/2 कप देसी घी डाला है। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे मालपुए का मिक्सचर। तो यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून मालपुए का मिक्सचर ऐसे ही डालते चलेंगे और याद रखिए हमें इन्हें बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं करने हैं, ये अपने आप ही स्प्रेड हो जाएंगे। और 1 टेबल स्पून डालने से इसका जो थिकनेस है मालपुए की वो भी बहुत ही अच्छी मेंटेन रहेगी और ना ही ज़्यादा हमारे मालपुए पतले रहेंगे और ना ही ज़्यादा मोटे रहेंगे। तो गैस का फ्लेम जो है बिल्कुल हम लो में रखेंगे और ऐसे धीमी ही आंच में हम 1-1 टेबल स्पून करके मालपुए को डालते चलेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बार में 4 मालपुए का मिक्सचर डाला है जो कि इस पैन के लिए बिल्कुल सफिशेंट है, यहाँ पर हमने ज़्यादा स्पेस भी नहीं रखी है। अब एक तरफ से जब मालपुए हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाए तो अब हम उनका साइड चेंज करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे जो मालपुए हैं वो एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इन 4 मालपुओं को अच्छे से इनका साइड चेंज करेंगे।
तो यहाँ पर हमने मालपुए का जो साइड है वो चेंज कर दिया है। अब हम इन्हें नीचे साइड से भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने देंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट हमारे मालपुए जो है वो फ्राई हो चुके हैं बहुत ही बढ़िया से। आप यहाँ से देखेंगे इनके दोनों तरफ से जो है ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें एक एक करके निकाल लेंगे। हमें बिल्कुल ऐसा ही कलर चाहिए अपने मावा मालपुए के लिए। तो ये हमारे जो मावा मालपुए हैं ऐसे ही पूरे बैटर के हम इसी तरह से प्रोसेस को बार बार रिपीट करके सारे मालपुए को ऐसे ही बना के तैयार कर लेंगे। तो अब इसके बाद हम चलते हैं शुगर सिरप की तरफ। तो यहाँ पर हमने जो शुगर सिरप बना के तैयार करी थी उसमें हम यहाँ पर डालेंगे सौंफ। तो यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून सौंफ डाल रहे हैं क्योंकि जो मालपुए होते हैं उनमें सौंफ का फ्लेवर भी होता है। तो इसी तरह से हमने ये सारे मालपुए को फ्राई कर लिया। आप देख रहे हैं ऐसे ही गोल्डन ब्राउन हमें मालपुए चाहिए। तो अब हम इन मालपुए को एक एक करके इस शुगर सिरप में डालेंगे। शुगर सिरप में डालने से पहले ध्यान रखें शुगर सिरप को हम थोड़ा सा गर्म कर लेंगे क्योंकि हमारे मालपुए या फिर सिरप में दोनों में से कोई एक चीज़ हल्की गर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम सारे मालपुए इस शुगर सिरप में डाल देंगे ताकि जो हमारे मालपुए हैं वो शुगर सिरप को अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर ले। तो यहाँ पर हम इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही डले रहने देंगे और ये हमारे सारे मावा मालपुए बनके तैयार हो चुके हैं। आप देख रहे हैं कितने टेस्टी लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही यम्मी लगेंगे आप लोगों को। तो आप भी ऐसे ही मालपुए बना के तैयार करें, कोई भी फेस्टिवल पे कोई भी फंक्शन पे आप इन्हें ज़रूर बनाएं, आप सबको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो अब इसके बाद अब हम इन्हें सर्व करेंगे। इन्हें सर्व करने के बाद अब हम इसके ऊपर से थोड़ा सा शुगर सिरप और डालेंगे जिससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगे। आप इन्हें अपने अकॉर्डिंग भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमने शुगर सिरप ऑलमोस्ट डाल ही ली है। तो अब इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर लिया है पिस्ताचियो जो कि बहुत ही अच्छा दिखता है, इसका कलर भी और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर भी आता है पिस्ता से। तो यहाँ पर हम डाले हैं चॉप्ड पिस्ताचियो। आप यहाँ पर एलमंड्स भी डाल सकते हैं, कैशियो भी डाल सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो। तो यहाँ पर हम डालेंगे इसके ऊपर पिस्ता जो कि हमने चॉप्ड करके रखे थे। और अब इसके ऊपर से हम यहाँ पर लगाएंगे सिल्वर लीफ। वैसे ये ऑप्शनल है, मेरे पास ये थी इसलिए मैं लगा रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सिल्वर लीफ लगाने से इनमें कोई सिल्वर लीफ का टेस्ट नहीं आता है, बट हाँ इन्हें जब हम अच्छे से इस पर लगाते हैं तो ये गार्निशिंग पे बहुत ही अच्छे लगते हैं गार्निश करने पे। तो चलिए यहाँ पर हमने सिल्वर लीफ भी लगा ली है। तो यहाँ पर हमारे ये मावा मालपुए बनके तैयार हो चुके हैं। तो आप भी इन्हें ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारे ये मावा मालपुए की रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो एक बार और मैं आप लोगों से बोलूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोज़ देखें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारे ये मावा मालपुए कैसे लगे। तो चलिए अब हम आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर, वो भी एक ऐसी ही न्यू रेसिपी के साथ। और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। थैंक यू।